हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब मुझे जानते हैं बहुत पहले से, और आपने मेरी MSW की प्लेलिस्ट जो है उसको फॉलो किया होगा, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया होगा। तब आगे बढ़ते हैं और आपको हम आज बताएंगे कि मैंने कैसे टॉप किया था। वही सारे फॉर्मूले आज आपको अप्लाई करना है एग्जाम से पहले। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने जब ये सोचा था कि एग्जाम हमें देना है, तो उस समय कुछ सोच के कुछ ना बेसिक डिसीजन आपने लिए होंगे कि हाँ, इस वजह से मुझे ये करना है, MSW क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी मेरी उपलब्धियां हैं, आप देख सकते हो। अब बात करेंगे पांच ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान रखना है आपको, तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका सिलेबस है सोशल वर्क का, जिसका आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है और क्लियरली इसमें लिखा गया है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए, लीगल कॉन्सेप्ट यूनिट 6 तक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट, सोशल वर्क, यही सब चीजें हैं। एनजीओ, कॉर्पोरेट, सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्लियर कट चीजों का समझ, वो आपको होना चाहिए। सिलेबस है ये, आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज हमारा प्लेलिस्ट विजिट करिए, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब बात ये है कि आपको ये सारा नोट्स जो आप ये सिलेबस देख रहे हो वो मिलेगा कैसे, वो आपको यहाँ मैंने एक बहुत ही डेडिकेटेड, आप देख रहे हो अभी मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट पे आपको सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। मेरे बनाए द्वारा बनाया गया, काफी रिसर्च करके बनाया गया है और डेवलप किया गया है, ये चीजें आपको मिल जाएंगी बहुत ही कम प्राइस में। आपके जो बचे कुछ दिन में है, रैंक को हाई करने में ये बहुत काम करेगा। रैंक अच्छा आएगा तभी आपको वो कॉलेज मिल पाएगा, सबसे बड़ा इसमें रोल है। अब पांच पॉइंट कौन है उस पर आते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट है, जितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जितने आपको आ रहे हैं, मान लो 100 क्वेश्चन पूछा गया, आपको 85 आ रहा है, 40 ही आ रहा है, ईमानदारी से उतना ही करके आओ। अगर क्वेश्चन कम आ रहे हो और निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है, तो जितना आ रहा है उतना ही करो, क्योंकि क्या होगा, आप लगोगे तुक्का मारने तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका निगेटिव मार्किंग आपके पॉजिटिव से ज्यादा हो सकता है और आप निगेटिव में जा सकते हो। ऐसा हुआ है कई बार, बहुत बच्चों का होता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है। कैसे, इस चीज को ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं होगा, जैसे मैंने नोट्स में आपको दिखाया था, तो आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाओगे कि एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है, फिर आंसर टिक नहीं कर पाओगे। तो दूसरा पॉइंट क्या था, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। तीसरा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तरह से बोली तो, वो है एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचे। गर्मी बहुत है भाई, हर किसी के लिए है, हर किसी सेंटर पे आपको एसी नहीं मिलेगी, बात मानिए। एग्जाम हॉल के बाहर टाइम से पहुंचिए, एग्जाम हॉल में टाइम से एंटर कर दीजिए, वेल सेटल हो जाइए, पानी उनसे मांग के पीजिए, अपना लेके अगर जाना हो तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेल सेटल हो जाइए, पूरा भोजन करके जाइए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आके खाएंगे, क्योंकि देखिए इस मौसम में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा, पहले से हेल्थ का ध्यान रखें। देखो भाई, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं खुद बीमार पड़ गया था, आपको मेरी साउंड से लग रहा होगा। ठीक है, हर कोई इस गर्मी से बेतुकी गर्मी पड़ रही है और उससे वो बीमार पड़ रहा है। तो पहले से क्या करना है, आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, जितना क्वेश्चन आए वही करना है। अब लास्ट टाइम में आप पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, जो सिलेबस है उसको रिविजन करना, नई कोई चीज नहीं पढ़ो, मैं यही सजेस्ट करूंगा। पॉजिटिव एनर्जी के साथ पांचवा जो है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एग्जाम भी देना है, रिजल्ट का इंतजार भी करना है और एग्जाम क्रैक करके टॉप भी करना है। ये तीनों पांचों चीजें जो मैंने बताई वो आपके काम की है। ठीक है, अगर आपको वो नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।